The question given is, if two distinct tangents can be drawn from the point alpha comma 1 on different branches of the hyperbola, 25x square minus 16y square is equal to 400, then, तो अगर हम देखते हैं, हमें equation given है, 25x square minus 16y square is equal to 400, that is 25x square by 400 minus 16y square by 400 is equal to 1. That is x square by 16 minus y square by 25 is equal to 1. अब अगर हम देखते हैं अगर हमारे पास general equation of hyperbola जो होती है वो होती है x square by a square minus y square by b square is equal to 1. If b square is greater than a square, तो इस केस में जो asymptotes होता है, तो उसका equation होता है bx is equal to plus minus of ay. और asymptote क्या होते हैं? Asymptote is tangent at infinity, मतलब ये सबसे largest tangent होते हैं. इसका मतलब अगर हमें graph plot करें, इस तरीके से हमारा एक coordinate system है, ये जो hyperbola है, ये कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये यहाँ पे b square is greater than a square है, ठीक है? तो ये hyperbola कुछ इस तरीके से हो गया. अब ये जो infinity में जो line जाती है, जो हमारी tangent होती है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से होगा, या और एक दूसरा लाइन अगर हम देखें, ये होगा इस तरीके से. इसका मतलब इन दोनों ब्रांचेस को ये टेंजेंट होगा एट इनफिनिटी. तो अगर हम देखते हैं y is equal to, हम ये लाइंस की इक्वेशन अगर हम निकालते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पे अगर देखें a square 16 है, तो a 4 हो जाएगा, और b square 25 है, तो b 5 हो जाएगा. तो हमारे इक्वेशंस आ जाएंगी 5x is equal to plus minus of 4y, ये आ जाएगा. तो इसका मतलब हमारा एक इक्वेशन हो गया 5x is equal to 4y, और एक हो गया 5x is equal to minus of 4y, ठीक है? दो इक्वेशन आ गए हमारे. तो ये जो इक्वेशन हमारा ये होगा 5x is equal to minus 4y, और ये इक्वेशन होगा 5x is equal to 4y. हमसे पूछा गया कि अल्फा कॉमा 1 से हमने टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे अगर ये जो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 1 के जो लाइन होगी वो कहीं इस तरीके से होगी. ये हमारी जो लाइन है ये है वाई इज इक्वल टू 1 की, और ये जो पॉइंट है अल्फा कॉमा 1 वो इस लाइन पर लाइक करेगा, और वो इन दोनों एसिम्प्टोट के बीच में लाइक करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दो असिम्प्टोट होते हैं ये लार्जेस्ट टेंजेंट होते हैं फॉर एनी हाइपरबोला असिम्प्टोट्स, ठीक है? लार्जेस्ट इनके बीच में लार्जेस्ट एंगल होता है, तो इसके तो हाइपरबोला में जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो इन दोनों असिम्प्टोट्स के बीच में लाई करते हैं. ऑल टेंजेंट्स लाई बिटवीन असिम्प्टोट्स. तो अगर वो ऑल टेंजेंट्स असिम्प्टोट्स के बीच में लाई करेगा, तो जहाँ से वो पॉइंट ओरिजिन किया है वो इन दोनों, ये जो पॉइंट ए और बी है, अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो पी ऑलवेज लाइज बिटवीन ए टू बी, ठीक है? तो हमें पॉइंट पी गिवन है, हम ए और बी फाइंड कर लें तो हम इससे रेंज भी फाइंड कर पाएंगे. अब पी जो है हमारा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो है अल्फ़ा, और हमें अल्फ़ा की रेंज चाहिए. तो जो अल्फ़ा है वो ए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में वैरी करेगा, क्योंकि दोनों असिम्प्टोट पे लाई करते हैं इस वजह से. और ये y इज इक्वल टू 1 पे जब इंटरसेक्शन देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा a ऑफ x ये आ जाएगा कि माइनस ऑफ 4 बाई 5, और अगर यहाँ पे देखें b ऑफ x y इज इक्वल टू 1 पर ही हो जाएगा 4 बाई 5 के इक्वल. इसका मतलब जो अल्फ़ा है वो लाई करेगा माइनस 4 बाई 5 से 4 बाई 5 के बीच में. अब हमें पता कि अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है माइनस ए से a तक, ठीक है? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x या तो a से बड़ा होगा या माइनस x इज लेस देन a, दैट मीन्स इस रीजन में x आ जाएगा ग्रेटर देन a. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले तो x की वैल्यू होगी माइनस ए से a तक. तो सिमिलरली ये जो होगा ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 4/5. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. अगर ऑप्शंस चेक करते हैं तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So this is our solution.